प्रिया जी, स्वागत है आपका। अभी एक मैम ने बोला कि वो राई वाला नुक्ता तो फेस पे छाइयों के लिए, सर मेरे भी थी, मुझे तो बड़ा काफी आराम है। मैं तो सिर्फ गोंद मुरिंगा लेती हूँ सुबह और शाम, आधा आधा ग्राम। मुझे तो बस फर्क क्या, मगर सर मेरे थोड़े थोड़े से डार्क सर्कल नहीं जा रहे हैं और थोड़े थोड़े डार्ट नहीं जा रहे हैं, ऐसे क्लियर फेस नहीं है मेरा। पहले से तो बहुत 50-90% फर्क है मुझे, तो ठीक। उसके लिए। और सर मेरा ना हमेशा फेस डाउन रहता है, बॉडी मेरी पूरी ठीक है, 61 मेरा वेट है, सिर्फ फेस मेरा हमेशा डाउन रहता है। ऐसे लगता है कि बीमार ही हूँ, बीमार ही हूँ। जो भी फेस देखेगा बोलेगा कि क्या बीमार है। ऐसे मेरी बॉडी ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। पहले अस्थमा थी, वो भी मेरी ठीक हो गई है। और मैंने गोल चिलगोजा मंगवाया था सर, 2-3 दिन मैंने खाया, थोड़ा गर्म होता है वो, मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ी थोड़ी देर बंद करके आगे लूंगी उसको। तो सर मुझे वो राई वाला नुस्खा बता दो, या जिससे पूरा फेस क्लियर हो जाए, कोई नुस्खा वो बता दो। रिया जी, मैं बता रहा था कि हमारे इलाज जो है दो किस्म के होते हैं, एक बाहरी और एक अंदर का। अगर अंदर से कोई कमी हो तो ये गोंद मोरिंगा और कैल्शियम, कैल्शियम एक हफ्ते में 2 बार खाना चाहिए। कैल्शियम मल्टीविटामिन्स की कोई भी टेबलेट या कैप्सूल एक हफ्ते में 2 खाना चाहिए, 2 बार। ये हमारे जिस्म की ज़रूरत है। कभी कभी हमारे जिस्म की ज़रूरत बाहर से पूरी की जाती है, और इस उम्र में जहाँ हम 45-50 साल के होते हैं, हमारा जिस्म उतना कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स और जिंक और वगैरह वगैरह जो है वो पैदा नहीं करता, तो हमें बाहर से डालना पड़ता है। तो एक तो ये जिंक लेने लगी, जो कैल्शियम की टेबलेट 2 बार, वन मोरिंगा आप लेती ही हैं। और वो सुधा जी का फोन था जो मैं बहुत पहले बताया करता था नुस्खा, वो ये था कि ये जो राई होती है ना, सरसों जिसका तेल हम यूज करते हैं, ये ले लें 100 ग्राम, मेथी ले लें 100 ग्राम, अलसी ले लें 100 ग्राम, हल्दी ले लें, इन सबको कूट लें और फिर इसका लेप टाइप का बना के ना, थोड़ा सा गाढ़ा सा बना के अपने चेहरे पर रब करें और थोड़ा छोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इसे धो लें, थोड़ी सी हो सकता है जलन सी हो चेहरे पर, और जो एक मामूली जलन जो आप बर्दाश्त कर सकती हैं, वो ये नुस्खा था जो मैं काफ़ी 4-5 साल पहले बताता था, उसकी वो याद दिला रहे थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।